अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु गाइस, मैं हूँ अरमान अली खान और इस वक्त आप मेरे इस ब्लॉगिंग चैनल पे, और आज हम जाने वाले हैं बटला हाउस और मेरे दोस्त की टाइकोंडो क्लास पे। इस वक्त हूँ मैं अपने दोस्त के, ये क्या प्लॉट है, ये एक प्लॉट है मेरे दोस्त का, देख सकते हो यहाँ पर काऊ माता भी वो है और बाकी ये प्लॉट है, और इसने यहाँ पे एक घर जैसा बना रखा है और यहाँ पे लोग रहते हैं रेंट पे, और ये मेरा दोस्त है रनौल, एक बार सलाम कर दे। हाँ तो फिर आज आने वाला है खूब मजा, क्योंकि हम यहाँ से जाएंगे, पहले तो मेरे दोस्त के टाइकोंडो क्लास पे जाएंगे, फिर हम जाएंगे पूरी बटला हाउस मार्केट घूमने वाले हैं, यानी कि हम तो आने वाले हैं खूब मजा, तो बने रहना साथ में, और इसी बात पे लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। चलो तो चलो अभी हम यहाँ से जाएंगे सीधा राज कॉलेज पर, आगे गली पर, और वहाँ से हम पकड़ेंगे रिक्शा और रिक्शे में बैठ के फिर जाएंगे बटला हाउस, क्योंकि बटला हाउस इतना पास भी नहीं है और इतना दूर भी नहीं है बटला हाउस के लिए, भाई सही में कह रहा हूँ, भी इतना पास नहीं है जितना लोग सोचते हैं, लेकिन इतना दूर भी नहीं है, रिक्शे से हम चले जाएंगे 10 रुपये दे के, इतनी ईजीली भी ज़्यादा ईजी नहीं है, अभी तो रिक्शा पकड़ना पड़ेगा यार, बहुत दूर है। चलो अब बटला हाउस पहुँच के ही मिलता हूँ, या फिर रिक्शे में बैठ के मिलते हैं। चलो देखो गाइस, हम पहुँच चुके हैं बाहर की साइड और मेरा दोस्त जो है अब पकड़ेगा रिक्शा, चल जल्दी जल्दी रिक्शा रो, मज़ा आएगा रिक्शा रो, कोई रिक्शा आ जा, मैं स्कूटी रुक गई यार, ये क्या हो रहा है यार, रिक्शा चाहिए हमें, और ये क्या चल रहा है, रिक्शा आ रहा है, रिक्शा आ गया रिक्शा। चलो बटला हाउस के लिए बैठ तो गए रिक्शे में, चलो भाई अभी यहाँ से हम बटला हाउस चौक पर उतरेंगे या फिर बाहर ही, मैं तो कह रहा हूँ बाहर ही उतर जाता है, तो बाहर ही उतर, हाँ बाहर उतर जाएंगे ना, सही रहेगा। चलो ये देखो, ये रैत कॉलेज बन रहा है अभी, ये एलियाबाद स्कूल बन रहा है, सॉरी रैत कॉलेज नहीं है, और ये हमारा हलाल पिज़्ज़ा फन और भी बहुत कुछ है। चलो ऐसा करते हैं, सीधा बटला हाउस या फिर कोई और जगह पर, बटला हाउस पहुँच गई मैं तुम लोग से, पहुंच गए हैं अभी बटला हाउस पहुंच गए हैं, और ये पैसे दे रहे हैं, चल भाई दे दिए पैसे, हाँ दे दिए ना, चलो फिर चलते हैं अपना, अभी हमें यहाँ से देखो भाई मार्केट पर पहुंच गए, हम यहाँ से जाना अंदर सीधा, यहीं पर है इसकी टाइकोंडो क्लास, थोड़ा अंदर जाना होगा, फिर वहाँ से हम जाएंगे टाइकोंडो क्लास, बड़ा मज़ा आएगा, क्योंकि वहाँ पर ये करके दिखाएगा हमें टाइकोंडो, भाई मज़ा एक्साइटेड हूँ खूब टाइकोंडो देखने के लिए, भाई क्या हुआ पैसे, अच्छा वो पैसे दे रहे हैं भाई से, पैसे ले लगे वो अपना बातचीत में लगे हुए हैं, चलो भाई हो गया ना, हाँ तो अब हम जा रहे हैं सीधा मार्केट में एंटर करने, चलो, ये मार्केट बड़ी प्यारी मार्केट है भाई, लेकिन देखा जाए ना हमारी अभी है एक मार्केट, लेकिन फिर भी यहाँ की बहुत प्यारी मार्केट है, यहाँ बहुत कुछ मिल जाता है तुम देख सकते हो, ये देखो यहाँ पर शर्ट वगैरह मिल रही है, और एक ये जगह है यहाँ पर भी मिल रही है, मैंने सुना है यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं भाई, बहुत प्यारी मार्केट है, और रात को शाम को दिखाऊंगा ना तुम लोग को, तो तुम लोग कहोगे ये देखो, शाम को दिखाने पर आएगा ना असली मज़ा, अभी भाई देखना कितनी दूर जाना है हमें, चलो तो फिर ऐसा करते हैं ना, हम आगे पहुँच के फिर मिलते हैं, वैसे अबे भाई चूज़े ये देखो कितने प्यारे प्यारे हैं, कहाँ है अंकल, ये अबे रैबिट भी है, वैसे हमारे पास तो है क्या, छोड़ो चलो पता नहीं कहाँ है अंकल, ये गलत है, अभी तो फिर ऐसा करते हैं अब पहुँच के मिलूँगा फिर मैं इसकी टाइकोंडो क्लास में, फिर वहाँ से चलो भाई चलते हैं जल्दी, प्राइज आ गई है तो फिर यहाँ पे तो हथियार वो मतलब चाकू वगैरह स्टार्ट हो गए हैं मिलने, और ये देखो बड़ी सही मार्केट है यार, लेकिन देखा जाए तो अभी तो यहाँ से बहुत आगे जाना है, बड़ी सही है आगे लगते ज़रा, है यार भीड़ भी होती जा रही है यार, इतना मतलब शाम होती ना शाम को तुम लोग देखोगे या पैर रखने की जगह नहीं मिलती, बड़ी भीड़ होती है, वैसे भी आज बकरा ईद आने वाली है और चांद रात भी एक मार्शल आर्ट्स अकेडमी, नाम तो बहुत सही लग रहा है, देखते हैं अब काम कैसा होता है यहाँ पे, मतलब वो काम वाम का मैं ये कह रहा हूँ यहाँ पे कराते कैसे, और यहाँ से हमें अंदर जाना है, सही चुप रहा है, हम आ गए
तो गाइज हम बाहर आ गए हैं क्योंकि क्या है ना, उसके सर रिकॉर्ड करने नहीं दे रहे हैं, हमें अभी रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे हम। तो ऐसा करते हैं, हम जा रहे हैं अभी आतिफ के घर पर, वो भी हमारा अच्छा खासा दोस्त है, वो घर पर अकेला पड़ा होगा बेचारा, उसके घर वाले तो निकलने देते हैं नहीं। तो अभी हम उसके घर जाएंगे, फिर घर से जब वो रन आउट जाएगा ना, फिर हम मार्केट घुमाऊंगा। लेकिन अभी भी तुम लोग देख लो, वैसे थोड़ी बहुत मार्केट देख सकते हो। वैसे ये है प्यारी सी मार्केट, वही अंदर की साइड है, अभी बाहर की साइड तो हम आए अभी नहीं। बहुत अच्छी है फिर भी मार्केट, वही बहुत दुकान है, बहुत अभी तो भीड़ लगी हुई है। मैं तो ये कह रहा हूँ मार्केट तक नहीं लगी अभी पूरी तरह से, खाली खाली मार्केट है, बहुत मार्केट लगी है अभी, स्टार्टिंग हुई है। स्टार्टिंग तो क्या ही कह रहा हूँ मैं, अभी अंदर की साइड है ना, इसलिए थोड़ी बहुत दुकानें भी लगी हुई थी। ओ भाई चश्मे देखो कितने सारे हैं यहाँ पे, इयर रिंग्स वगैरह बहुत सही मार्केट है। फिर भी देखा जाए तो दिल्ली से भाई यहाँ पर भी आएंगे किसी दिन खान पान के लिए। चलो चलो, हाँ तो चलो मैं आते तो घर पे ही पहुँच के देखता हूँ, तो बड़ी प्यारी बात है यार। तो भाई हम पहुँच चुके हैं अभी आज के घर पे, और अभी तो यार हमें बहुत चढ़ना पड़ेगा, देखो जीने चढ़ना, कितने जीने चढ़ने पड़ेंगे यार, बड़ा चढ़ना पड़ेगा। उसका आई थिंक सो उसका फोर्थ फ्लोर है, कितने फ्लोर है, बस यही मरता भाई। देखो तो फिर हम कितनी ऊंचाई पर, देख ला देखो। अबे क्योंकि इसके घर पे जो है ना बेसमेंट में पहुँच गया, पहुँच के ही मिलते हैं फिर ये। तो गाइस हम पहुँच गए अभी आतिफ के घर पे, और आतिफ भाई देख लो ओखला ओखला। तो गाइस अब हम आ गए आज के घर से, वहाँ पर फजम बाजार से लगा कि बटलाव का लगना चाहिए आज, फजम क्या हुआ। तो अभी हम जा रहे हैं शाहीन बाग, हमारे हमारे यहाँ जो मार्केट लगती है ना, वहाँ जाएंगे, वहाँ आप सब कुछ पूरी मार्केट घुमाने वाले हैं, ठीक है। वहाँ कुछ खाएंगे भी, और लनौलिया बैठा देख लो क्या खाएंगे, वैसे कुछ सोचे तो ये मसालों की दुकान है, यहाँ पे ये हमारी चप्पल वगैरह की दुकान है। चलो ये क्रॉकरी भी हो गई, चलो आगे कुछ हो जाए। बड़ी भीड़ है भाई यहाँ पर, देख सकते हो कितनी भीड़ हो रही है यहाँ पर, कुछ खाएंगे यार आगे चल के देखते हैं क्या खाना है। तो ये फिलहाल उन लोग को मैं मंडी घुमा देता हूँ, ये जो यहाँ पर भीड़ देख लो तुम लोग, ब्लॉग नहीं बना कर रहा है, कितनी भीड़ हो रही है। और ये बहुत चलो आगे चलते हैं, यहाँ से कपड़े वपड़े बहुत सही मिल जाते हैं, टांग रखते हो ना तारों पर कपड़े, भाई मुझे बड़ा अजीब लगता है तारों पर टांग रखा है,
करंट वरेंट आ गया तो क्या कर लेंगे। बाकी ये है कपड़ों की दुकान है, कपड़े भी बहुत से मिलते हैं लेकिन ज़्यादातर लेडीज़ वगैरह के कैसे टांग रखते हैं वहाँ अंदर लेडीज़ के ही सारे कपड़े हैं यार। काश यहाँ पर बॉयज़ के भी होते, कितना सही रहते बहुत ही पसंद। हम पहुँच गए हैं शालीपुटा रोड पर, ये देख लो सामने वो दिख रहा होगा जायका, जायका होटल यहाँ का बड़ा फेमस रेस्टोरेंट है, ये मुगलई आपको मिलता है। अब इसके साइड में देखते कितना बड़ा होटल है, इसी की साइड में इसका कॉम्पिटिटर ज़ारा है, ज़ारा का बहुत बड़ा बड़े प्यारे कहाँ पर वीडियो बनाए, और ये भी बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। तो तब तक निश्चय असम एंड बाय बाय।